नगरी आगरा के कस्बा मलपुरा में अचानक मोटराइज्ड ट्राई साइकिल में तेज धमाके के साथ आग लगने से हड़कंप मच गया। दिव्यांग ने आग बुझाने की कोशिश की तो उसके कपड़ों में भी आग लग गई। राहगीर और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दिव्यांग को बचाया और मरहम पट्टी करवाई। पीड़ित दिव्यांग ने शासन प्रशासन से मोटराइज्ड ट्राई साइकिल की मांग की है। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा पिछले 22 अप्रैल को एल्म को कंपनी की गाड़ी वितरित की गई थी। अब दिव्यांग के सामने चलने फिरने की बहुत ही दिक्कतें सामने पैदा हो गई हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी विजय सिंह लोधी व पुरुषोत्तम भगौर ने आगरा के जिलाधिकारी महोदया व जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से दिव्यांग आलोक कुमार वर्मा को तत्काल मोटोराइज ट्राई साइकिल दिलाने की मांग की है, जिससे दिव्यांग भाई को परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा देहात से संवाददाता कन्हैया लाल दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? आलोक वर्मा। आलोक जी, क्या बात हो गई है, कैसे परेशान हैं आप? सर, परेशान कैसे हैं, बहुत परेशान है। मेरे पास में एक मोटराइज्ड ट्राई साइकिल थी, उसमें अचानक दोपहर करीबन 3 बजे के आसपास अचानक भारी विस्फोट के साथ में बहुत तेजी से आग लगी है। और सर, क्या करते हैं पहले तो आप ये बताइए, क्या करते क्या हैं आप? करता क्या हूँ सर, एक छोटी सी दुकान है अपना, उसी को चला रहा हूँ फिलहाल, उसी से ही अपनी गुजर बसर हो रही है सर। 50-40 रुपये रोज कमा लेता हूँ और अपना गुजारा भत्ता कर रहा हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें अचानक धमाका हुआ, आग लगी अचानक, बहुत तेज आग लगी। एक विकलांग बच्चा अंदर चला गया दुकान में, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, आधे घंटे जाके आग पर काबू पाया गया। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि विनोद के कपड़ों में भी आग लगी थी। हाँ, विकलांग है ना बच्चा जो है। अच्छा, फिर उसकी मल्लम पट्टी वगैरह और क्या पब्लिक ने बचाया? इकट्ठी हो गया भीड़ जो है। कैसे आग पर कैसे काबू पाया था? इधर से पानी डाला, बहुत पानी डालना पड़ा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? बच्चा है, कुछ हेल्प मिलनी चाहिए सरकार से जो है।